सो फाइनली दोस्तों रामायण मूवी को लेकर बहुत बड़ी सटीक न्यूज लेके आऊं और ये खबर कोई अफवाह नहीं है। इस खबर में दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। रामायण मूवी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है मार्केट में, सनी देओल को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है मार्केट में, लेकिन दोस्तों हिमेश माकन पिंक विला के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़ी न्यूज और सत्य वाली न्यूज देती है दोस्तों, पिंक विला के अनुसार दोस्तों ये न्यूज बहुत ही सच्ची न्यूज है। और मुझे लगता है कि मैं आज इस मूवी रामायण को लेकर जो न्यूज दे रहा हूं भाई, ये पूरी न्यूज ऐसे न्यूज है ना कोई नहीं देगा आपको पूरे यूट्यूब पे, ये बात लिख के ले लो। आपका भाई रवि चौधरी सनी देओल की बड़ी फिल्म रामायण को लेकर बहुत सारी अपडेट लेके आए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि बहुत खास होने वाली है। लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अपने भाई रवि चौधरी को प्यार नहीं दिया तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले रामायण मूवी नितेश तिवारी जी की ट्रायलॉजी मूवी दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जय श्री राम का नाम हर कोई लेगा और जय श्री राम नाम का कमेंट सेक्शन में भर दो भाई, सच्चा हिंदुस्तानी होगा तो जरूर लिखेगा दोस्तों। देखो यार आज एक मूवी रामायण, जी हाँ दोस्तों रामायण की बहुत बड़ी अपडेट आई है और रामायण को लेकर बड़ी पीछे कंफ्यूजन सी हो गई थी क्योंकि हेटर लोग ट्रोल कर रहे थे कि संदीप पाजी हनुमान बनने के लायक नहीं है। वेल दोस्तों अब जो कास्ट में बताऊंगा इस वीडियो को सेव कर लेना अपने ड्राइव में भाई, ये वीडियो ऐसी वीडियो होने वाली है कि एक भी बात झूठी निकल गई तो आप जो कहोगे मैं वो कर लूंगा। देखो आज की न्यूज़ बड़ी खास है, तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि रामायण मूवी को प्रोड्यूस कर रहे नमित मल्होत्रा DNEG कंपनी एंड नितेश तिवारी दंगल वाले छिछोड़े वाले डायरेक्टर। आपको बता दूं कि भाई रामायण मूवी को लेकर अभी पीछे एक अपडेट चल रही थी कि 2025 में ही इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, 2026 में आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम हेटर लोग ये न्यूज़ को ऐसा फैला दिया कि न्यूज़ लोगों ने इसको सच मान लिया, इनफैक्ट मैंने भी सच मान लिया था। लेकिन अभी एक बॉलीवुड रिपोर्ट आई है पिंक विला की और पिंक विला रिपोर्ट के मुताबिक तो उनकी बात हुई नितेश तिवारी से और ये न्यूज़ बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो दोस्तों रामायण मूवी जो है उसकी शूटिंग 2025 से स्टार्ट नहीं होगी, इसी साल से स्टार्ट होगी और आपको बता दूं कि इस साल 2 अप्रैल यानी कि मात्र 3-4 दिनों के बाद दोस्तों रामायण मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो रही है। रामायण के फर्स्ट पार्ट आपको 2025 दिवाली पे देखने को मिलेगा और इस फर्स्ट पार्ट के अंदर मोस्टली साई पल्लवी एंड रणबीर कपूर राम सीता की भूमिका में ज़्यादा नजर आएंगे और राम जी की लाइफ का बारे में ज़्यादा दिखाया जाएगा। हनुमान जी और रावण की एंट्री सेकेंड और थर्ड पार्ट में होगी और कुछ एंट्री सीन्स दिखाई देंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर भी। आपको बता दूं कि दोस्तों एक सीक्वेंस 2 अप्रैल से लेकर एक सीक्वेंस शूट होगा जो कि 2 हफ्ते तक वो सीक्वेंस शूट चलेगा, जिसमें रणबीर कपूर के बचपन का रोल प्ले कर रहे बच्चे राम लक्ष्मण भरत का रोल प्ले करेंगे। एंड आपको बता दूं कि गुरुकुल का सेट बनाकर मुंबई में ग्रीन स्क्रीन पर पूरा एक गुरुकुल का सेट बनाकर वहाँ शूटिंग की जाएगी और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके बच्चे का कैरेक्टर लेकर बच्चे उनका रोल प्ले करेंगे। हालांकि रणबीर कपूर उसका पार्ट नहीं होंगे अभी क्योंकि रणबीर कपूर लॉस एंजल्स अमेरिका में दोस्तों को बता दूं कि अपना 3D स्कैन कराने के लिए वहां पहुंचेंगे और ये इनका लास्ट स्केड्यूल होगा 3D स्कैन कराने के लिए। मतलब बोले तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर का टेक्नोलॉजी यूज ज़्यादा है, उनके चेहरे का लेना मेकअप, उनके चेहरे की स्कैनिंग करना, 3D बॉडी की स्कैनिंग करना, क्योंकि ये फिल्म दोस्तों स्टोरी तो हम सबको पता है, ये जो फिल्म है दोस्तों पूरी एक क्रियात्मक रचनात्मक से भरा हुआ है, पूरी एक इमेजिनरी फिल्म होने वाली है। और नितेश तिवारी ने बोल दिया है कि उन्होंने कितने पंडित बिठा रखे हैं, नितेश तिवारी ने यह भी कह दिया है कि भाई साहब इस मूवी को जो लोग हैं ना आगे देखेंगे भविष्य में तो उनसे सीखेंगे, जैसे कि हम सब रामानंद सागर जी की रामायण को आज भी एक क्या बोलते हैं एक धर्म ग्रंथ, एक रामायण एक्चुअल में रामायण मानते हैं हम उनके सीरियल को और उनसे सीखते बहुत कुछ है। वैसे ही नितेश तिवारी रामानंद सागर जी से इंस्पायर्ड होकर ऐसी मूवी बना रहे हैं कि जब भी वो कोई मूवी देखे वहाँ से सनातन धर्म की जय हो सके, जय श्री राम का नाम गूंज सके और दोस्तों को बता दूँ कि बच्चे बूढ़े सब लोग सीख ले सके उस रामायण से। तो दोस्तों गुरुकुल के अंदर भगवान श्री वशिष्ठ जो है भगवान श्री राम को शिक्षा देंगे और गुरुकुल के अंदर जो पूरा सेट बनाया जा रहा है भगवान श्री वशिष्ठ का रोल प्ले कौन करेगा, तो एक नाम जो फाइनल कंफर्मेशन में आ चुका है शिशिर शर्मा बेसिकली गुरु वशिष्ठ का रोल के लिए फाइनल वो कंफर्म हो चुके हैं दोस्तों। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, आप जो ये भाई बंधु फेक न्यूज़ और हेटर लोग फेक न्यूज़ समझ रहे हैं भाई गूगल कर लेना और कुछ भी फेक हो तो भाई साहब मेरे को कमेंट करना, मैं प्रूफ दूध का दूध और पानी कर दूंगा।
आपको बता दूं भाई कि इसके अलावा दोस्तों इस पूरी फिल्म का जो शूटिंग ख़त्म होगा लगभग अगस्त के एंड में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कम से कम पोस्ट प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। एंड सन्नी पाजी का जो सीन है, जी हाँ दोस्तों, अप्रैल से लेकर जुलाई में सन्नी पाजी के जितने सीन्स हैं वो सारे शूट किए जाएंगे, और यश के यानी कि रावण का रोल प्ले करेंगे यश, उनके भी सारे सीन्स शूट किए जाएंगे अप्रैल से लेकर जुलाई तक। एंड अगस्त के एंड तक इस प्रोजेक्ट का रैप अप कर दिया जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो मूवी है इसका जो टीजर है ऑफिशियली अनाउंसमेंट एक टीजर की फॉर्म में 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के उपलक्ष में नितेश तिवारी और फिल्म मेकर कुछ बड़ा रिलीज कर सकते हैं, जो कि एक सरप्राइज भी होगा। और क्योंकि रामनवमी का दिन है, पूजा का दिन है, तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा धमाकेदार पोस्टर और सारे कास्ट, चाहे वो सन्नी देओल हो, चाहे तमाम लोग हो, कास्ट मेम्बर हो, उन सबकी फ़ोटो दिख सकती है, एक नया लुक देखने को मिल सकता है, हनुमान जी का लुक देखने को मिल सकता है, राम जी का, सन्नी पाजी का, तो दोस्तों कई सारे लुक देखने को मिल सकते हैं उस रामनवमी के दिन। बहुत बड़ा पोस्टर आने वाला है, तो इसी बात पे भैया जय श्री राम हर कोई लिख देगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि देखो यार, अभी वैसे तो इस फिल्म का रामायण मूवी के अंदर जो कास्ट है वो सारे बड़े बड़े हैं। इसमें सूर्पनखा का रोल रकुल प्रीत ने किया हुआ है, लारा दत्ता ने केके का रोल प्ले किया हुआ है, साक्षी तंवर, जी हाँ दोस्तों, साक्षी तंवर ने मंदोदरी का यश के अपोजिट में नजर आएंगी, वो दंगल में भी थी, इसके साथ विजय सेतुपति भी है एज ए विभीषण, ठीक है, और तमाम स्टार कास्ट है इसके अंदर, बड़े बड़े स्टार कास्ट है। अब शिशिर शर्मा ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो रामायण दोस्तों 250-250 करोड़ की बजट की फिल्म है, टोटल 3 पार्ट आने वाले हैं इसके, और हर साल एक एक पार्ट रिलीज होगा, और एक एक पार्ट भी 1000 करोड़ के पार जाएगा। और ये फिल्म दोस्तों इतनी ज़्यादा VFX यूज़ हो रहा है इसके अंदर, इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ हो रहा है, एंड सन्नी पाजी की एंट्री से तो भाई जय श्री राम नाम ना गूंज जाए तो भैया नाम बदल देना। तो कुल मिला के दोस्तों रामायण में सन्नी देओल भी फाइनल है, साई पल्लवी फाइनल है, रणबीर कपूर फाइनल है, और ऑफकोर्स सन्नी पाजी हनुमान के रोल में इसमें फाइनल है, और हनुमान के रोल के लिए उनसे बेस्ट एक्टर कोई नहीं हो सकता पूरे बॉलीवुड के अंदर, ये लिख लेना, ये भाई लिख लेना। और रही बात दोस्तों इसका ट्रेलर कब तक आएगा, तो भैया देखो यार, ट्रेलर तो अगले साल ही आएगा, लेकिन इस साल टीजर, प्रमोशंस एंड कुछ आपको ऑफिशियली पोस्टर्स देखने को मिल सकते हैं इस साल के एंड तक। लेकिन इस फिल्म को आना है दोस्तों 2025 में, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया भी था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में झंडे गाड़ देगी, क्योंकि आदि पुरुष एक फिल्म आई थी जिसने दोस्तों बड़ा मजाक बनाया था रामायण का, लेकिन नितेश तिवारी इस बार इस रामायण को बहुत बड़े लेवल तक लेके जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो शूटिंग लोकेशन है पूरा भी मुंबई में किया जा रहा है, और कुछ पार्ट लंदन में भी शूट होना था, आपको बता दूं मैं, जिसके अंदर अभी रणबीर कपूर का 3D स्कैन बॉडी लिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि पर वो बॉडी स्कैन पिछले 3-4 महीनों से वो रोज़ लॉस एंजल जा रहे हैं कभी कभी, और अपनी बॉडी स्कैन दे रहे हैं। अब ये फाइनल स्केड्यूल है उनका जो वो बॉडी स्कैन दे देंगे, ताकि दोस्तों बॉडी स्कैन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है पूरा फिट बैठ सके, क्योंकि पूरा इसमें VFX यूज़ होना है, एनिमेशन यूज़ होना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है दोस्तों, पहले पार्ट के अंत में ही जो पूरी मूवी है, मुश्किल से मात्र 4-5 सीन होंगे हनुमान जी के, लेकिन वो सीन पूरी रामायण में हनुमान जी ना दिखे तो फिर रामायण का मतलब ही क्या रहा। संदीप पाल जी की आते ही भैया कन्फर्म है, कन्फर्म 1000 करोड़ कन्फर्म है, और ना जय श्री राम के नाम से गूंजा तो मजा ही कुछ और हो जाए भैया। कुल मिला के वी आर रेडी, ये फिल्म रामायण वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इज लोडिंग, एंड 2025 में लाहौर 1947 आ रही है, रामायण आ रही है, और दोस्तों अपने 2 भी आ सकती है, गदर 3 भी आ रही है, तो 2025 तो भैया सन्नी देओल को मैगजीन ऑफ द अवार्ड दे ही दो भाई। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या रामायण मूवी में अभी भी कोई डाउट है? रामायण मूवी दोस्तों जो मैंने बताया वो कन्फर्म है, एंड ऑफकोर्स सन्नी पाजी एज ए लॉर्ड हनुमान जी को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्या वाकई में दोस्तों सन्नी पाजी फाड़ रख देंगे, एंड बॉलीवुड की बिगेस्ट फिल्म सन्नी देओल की रामायण के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्या ये फिल्म 1000 करोड़ पार करेगी? लाइक कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एंड सन्नी देओल फैंस, हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम तो हर कोई लिखेगा।